फार्मा वारियो चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के अंदर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए आ चुके हैं इसरो का ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद ही हम लोग देख पा रहे हैं चंद्रयान 3 का कुछ विजन, जिसको देख के भी हम लोग को लगता है इंडिया कितना तरक्की कर लिया है। और चलिए उस तरक्की का पार्ट होने वाला है आप लोग कैसे आप इसमें फार्मासिस्ट के ये यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं, कैसे आप इसका जॉब पा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले। तो उसके लिए आ जाना पड़ेगा आपका कैरियर का सेक्शन पर। कैरियर के सेक्शन में आने के बाद कुछ इस तरह का पेज आप देख पाएंगे जहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, वहाँ पर आपको नर्स बी, फार्मासिस्ट ए, रेडियोग्राफर, कैटेगरी सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, सब कुछ का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका डिटेल्स में देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा जहाँ से आप यहाँ का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यहाँ का जो वैकेंसीज है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख पाएंगे। तो इसका डिटेल्स में देखने के लिए आप लोग को यहाँ पर जो पीडीएफ करके बटन दिया गया है उसमें आप क्लिक करके इसका डिटेल्स को देख सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो भी आप बता देते हैं, यहाँ पर 24 अगस्त के अंदर आपको इसमें अप्लाई कर लेना है। तो चलिए अभी डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी होने वाला है वो सीआरई कोटा का जो स्पेस सेंटर है उसके अंदर आप इस वैकेंसी को होने वाला है, जहाँ पर आपको फार्मासिस्ट का वैकेंसी, नर्स का वैकेंसी, कैटरिंग सुपरवाइजर का वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी, बहुत सारा वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जिसका वैकेंसी होने वाला है सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर सी हरी कोटा में, तो यहाँ पर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। हमारा जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी है उसके साथ साथ आप नर्स का भी वैकेंसी इसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसका डिटेल्स आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर फार्मासी की जो वैकेंसी है वहाँ पर 2 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर और एक ओबीसी कैटेगरी के अंदर आता है, जिसमें आप अप्लाई करने के लिए सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी होने पर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी स्टेट एंड सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के अंदर आपको फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन रहना है, तभी आप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर रेडियोग्राफर का भी वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन का भी वैकेंसी, सारा कुछ आप इसको देख के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट का बात है और कितना सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि मेन बात है इसमें, तो सब कुछ आपको दिखाएंगे इस वाले वीडियो में। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक चेकआउट करना, तभी आप जान पाएंगे इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ चाहिए होता है, सब कुछ। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए जो सैलरी होने वाला है वो 41,464 पर मंथ बेसिस में सैलरी होने वाला है, जिसके लिए आपको मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 35 इयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके एससी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स तक जो एज रिलैक्सेशन रहता है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करने वाले यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो आपको एप्लीकेशन फीस का जरूरत है वो कितना पड़ेगा आपको उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको 100 रुपीज है, जो कि एक एप्लीकेशन फीस के जरिए लिया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको 400 रुपीज जो है वो प्रोसेसिंग फीस है। तो टोटल जो यहाँ पर जो फीस लगने वाला है वो 500 रुपीज आपको यहाँ पर पे करने वाले है आप इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आपका जो वुमेन कैंडिडेट है, जो एस सी एस टी कैंडिडेट है, उसके लिए एप्लीकेशन फीस का पे करने का कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप सिर्फ 400 रुपीज पे करके ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि आप जब इसमें अप्लाई कर लेंगे, इसमें जब अपीयर हो जाएंगे, मतलब एग्जाम दे देंगे, तो इस एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आ जाने के बाद आपका जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब जो जो कैंडिडेट ने यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस को दिया है उसको 400 रुपया फीस से आपको रिफंड मिल जाएगा, आपको जहाँ से आप पेमेंट किए हो वहाँ पर। अब पेमेंट जो होने वाला है वो ऑनलाइन के थ्रू ही आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो भी यहाँ पर क्लियर करके दिया गया है, जैसे कि आपका रिसेंट साइज का फोटोग्राफ अपलोड करना है, कलरिंग फोटोग्राफ अपलोड करना है, साथ ही साथ आपको जो सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स डालना है, आपका एक्सपीरियंस का डिटेल्स डालना है, आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स डालना है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करके दिया गया है, जो आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्ट चेकआउट करने के लिए इसका जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन डिटेल्स आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में, साथ ही साथ आपका हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप रहता है उसमें भी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो आप इस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएंगे, तो ज़रूर उसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो अब इसमें आते हैं इसमें कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। अप्लाई करने के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है उसके बारे में फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो इसमें 4 अगस्त से स्टार्ट होकर 24
अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त के अंदर आपको उसके फीस को पेमेंट कर लेना है। तो अब जानते हैं यहाँ पर क्या क्या एग्जाम सेंटर रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम सेंटर के डिटेल्स दिया गया है, आपका जो एग्जाम सेंटर चाहिए होते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, तो हम लोग का वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ कोलकाता ही है, तो कोलकाता में लोग एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। तो आप इसमें दिखाने वाले हैं कैसे आप इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे, सिलेक्ट होने का जो प्रोसेस है उसके बारे में। तो यहाँ सिलेक्शन होने के लिए आपको एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट के बाद आपको स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। तो कैसे होगा सब कुछ बता देते हैं। फर्स्ट आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपका जो जितना क्वालिफिकेशन का डिटेल्स डाले हो सब कुछ आपको स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग के बाद आपका रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। रिटन टेस्ट हो जाने के बाद आपका जितने भी मार्क्स कैरी करेंगे उसके बाद आपको स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट में आपका कितना क्वालिफिकेशन सब कुछ चेक करने के बाद आपका उसके नेक्स्ट स्टेप में जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे उसके डिटरमाइंड होगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट में जो मार्क्स आएगा सब कुछ आपको टैली करके आपका शॉर्टलिस्ट होने का मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इस तरह का आपका सिलेक्शन होने वाला है जिसका डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर जो रिटन टेस्ट होने वाला है सब कुछ आपको फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, आपका पूरा फार्मासी के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाला है, उसका ऊपर आपका रिटन टेस्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो जिनरल टर्म्स एंड कंडीशन रहता है इसमें अप्लाई करने का उसके बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है सब कुछ आपको यहाँ पर मैच होना है, आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एज लिमिट दिया गया है, आपका कास्ट का डिटेल्स दिया गया है, सब कुछ आपको अच्छे से फिलअप करना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप गलत डालते हो और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप छोड़ देते हो, ठीक से फिलअप नहीं करते हो, तो आपका जो कैंडिडेचर है जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको आपको नज़र में रखते हुए आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और आपको जो डेट दिया गया है 4 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त के अंदर ही आपको डिसीजन को कंप्लीट करना है और 25 अगस्त के अंदर ही आपको पेमेंट को कंप्लीट करना है। कोई भी स्टेज आप छोड़ देते हो तो तब भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिंक है www.shar.government.in और www.apps.shar.government.in। तो अब भी आप इसमें कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ जानने के लिए, कैसे आपको डिटेल्स में अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानने के लिए हमारे फार्मर हाउस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो जल्दी आने वाला है हमारे चैनल पे। जो जो कैंडिडेट ने अभी तक फार्मर हाउस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप डालते हैं रेगुलर बेसिस पे फार्मासी रिगार्डिंग जॉब अपडेट, फार्मासी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अपडेट, साथ ही साथ PCI का सारा कुछ नोटिफिकेशन डिटेल्स आपको मिल जाता है हमारे चैनल पर। तो जरूर फार्मर हाउस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ सारा नोटिफिकेशन डिटेल्स को डायरेक्टली पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना तक ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मायरस। फार्मायरस के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद। इस तरह का और भी गवर्नमेंट अपडेट पाने के लिए फार्मायरस का चैनल पर दिया गया है, बाकी वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं।